फ्रांस्वा बर्नियर, एक विशिष्ट चिकित्सक। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। लगभग 1500 ईस्वी में भारत में पुर्तगालियों के आगमन के पश्चात उनमें से कई लोगों ने भारतीय सामाजिक रीति रिवाजों और धार्मिक प्रथाओं के विषय में विस्तृत वृतांत लिखे। उनमें से कुछ चुनिंदा लोगों जैसे जेसुइट रॉबर्टो नोवेली ने तो भारतीय ग्रंथों को यूरोपीय भाषाओं में अनुवादित किया। सबसे प्रसिद्ध यूरोपीय लेखकों में एक नाम दुआर्ते बारबोसा का है, जिसने दक्षिण भारत में व्यापार और समाज का एक विस्तृत विवरण लिखा। कालांतर में 1600 ईस्वी के बाद भारत में आने वाले डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी थी। इनमें एक प्रसिद्ध नाम फ्रांसीसी जोहरी जो बैप्टिस्ट टेवर्नियर का था, बहुत ही मतलब प्रसिद्ध नाम था 1600 के बाद, जिसने कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की। वह विशेष रूप से भारत की व्यापारिक स्थितियों से बहुत प्रभावित था और उसने भारत की तुलना ईरान ओटोमन साम्राज्य से की। इनमें से कई यात्री जैसे इतालवी चिकित्सक मनुकी कभी भी यूरोप वापस नहीं गए और भारत में ही बस गए। तो एक तो मनुकी का जिक्र हो रहा है इसमें और एक आपके बैप्टिस्ट का जिक्र हो रहा है, बैप्टिस्ट टेवर्नियर का जिक्र हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन। ये एक चित्र बना हुआ है जो कि है 17वीं शताब्दी का एक चित्र, बर्नियर यूरोपीय पोशाक में दिखाया गया। ये कौन है? ये है बर्नियर, जिनको यूरोपीय पोशाक में इनकी हैट यहां पर पड़ी हुई है। ठीक है, फ्रांस का रहने वाला फ्रांस्वा बर्नियर एक चिकित्सक, राजनीतिक, दार्शनिक तथा एक इतिहासकार था। कई और लोगों की तरह वह मुगल साम्राज्य के अवसरों की तलाश में आया था। वह 1656 से 1668 तक भारत में 12 वर्ष तक रहा और मुगल दरबार के नजदीकी के रूप में जुड़ा रहा। पहले सम्राटों शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दाराशिको के चिकित्सक के रूप में और बाद में मुगल दरबार के एक अर्मेनियाई अमीर दानिशमंद खान के साथ एक बुद्धिजीवी वैज्ञानिक के रूप में जुड़े हुए। ये किसका नाम है जो 1656 से लेके 1668 तक 12 वर्षों के लिए मुगल दरबार में शाहजहां के जो ज्येष्ठ पुत्र थे दाराशिको, उनके चिकित्सक के रूप में इन्होंने कार्य किया। ये एक और फोटो यहाँ पे भारतीय पोशाक में टेवर्नियर की भारतीय पोशाक देखिए। पूर्व एवं पश्चिम में तुलना। बर्नियर ने देश के कई भागों में यात्रा की, जो देखा उसके विषय में विवरण लिखे। यात्रियों का यही काम होता था, वो जिस भी जगह जाते थे विवरण बताते थे वहां पे कैसा था। वह सामान्यतः भारत में जो देखता था उसकी तुलना यूरोपीय स्थिति से करता था। उसने अपनी प्रमुख कृति को फ्रांस के शासक लुई XVI को समर्पित किया, लुई XIV को। उनके कई अन्य कार्य प्रभावशाली अधिकारी और मंत्रियों के पत्रों के रूप में लिखे गए थे। लगभग प्रत्येक दृष्टांत में बर्नियर ने भारत की स्थिति यूरोप में वे विकास की तुलना दयनीय बताया, मतलब भारत को कम बताया और यूरोप को ज्यादा बताया था इन्होंने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, जैसा कि हम देखेंगे उसका आकलन हमेशा सटीक नहीं था, फिर भी जब भी हम उनके कार्य को प्रकाशित हुए तो बर्नियर के वृतांत अत्यधिक प्रसिद्ध हुए। बर्नियर और टेवर्नियर इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ, बल्कि बर्नियर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था। ये एक यूरोपीय पोशाक में दे रखी है टेवर्नियर की फोटो, और जो मुगल दरबार में काम करते थे वो बर्नियर के रूप में काम करते थे। ठीक है, टेवर्नियर और बर्नियर दो अलग अलग है। इनका पूरा नाम है जो बैप्टिस्ट टेवर्नियर, और एक है जिनका नाम है फ्रांस्वा बर्नियर, चिकित्सक के रूप में बर्नियर वर्क करते थे। ठीक है,